जो है वो एनहांस हो जाएगी। और अगर हमारे पास सब एक्यूट मेनिनजाइटिस है तो फिर माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस और फंगस की वजह से हो सकती है क्रिप्टोकोकस नियोफॉर्मेंस। इन दोनों को आइसोलेट करना है, एसिड फास्ट स्टेन ऑफ स्पाइनल फ्लूइड बनाना है। उसके बाद हमने टीबी माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस सी नहीं होता क्योंकि उसके बहुत छोटे, सबसे छोटा बैक्टीरिया जो है वो हमने देखा था कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस ही था। 6 हफ्तों के लिए हमने फ्लूइड कल्चर करना है अगर हमारे पास सी नॉर्मेंस नियोफॉर्मेंस का भी अगर हमारे पास है, ताकि बर्डिंग यीस्ट जो है उसका प्रोमिनेंट कैप्सूल होता है वो बर्ड वगैरह कर सके। और इसको हमने स्पाइनल फ्लूइड को सीन करने के लिए इसके अंदर नियोफॉर्मेंस वगैरह इंडिया इंक यूज़ करनी है। स्टूल कल्चर की बात करें तो ये हमने कब लेना है, एंटेरोकोलाइटिस के केस में बैक्टीरिया जो है जो कि डायरिया वगैरह कॉज करेंगे, शिगेला साल्मोनेला कंपाइलोबैक्टर ईकोलाई की O157 स्टेन जो कि डायरिया कॉज कराती हैं, इनको हमने मिथाइलिन ग्लू से स्टेन करना है और ग्राम स्टेन भी कर सकते हैं। इनके ऊपर हमें स्टिफलोकोकस क्लॉस्ट्रिडिया और कंपाइलोबैक्टर नजर आएंगे। साल्मोनेला और शिगेला के लिए हमने कौन सा कल्चर यूज़ करना है, मकॉन की या ईओसिन मिथाइलिन ग्लू EMB कल्चर यूज़ करना है। जो हमारे पास EMB अगर है इसके ऊपर हमारे पास जो ई कलाई की क्लोनी आएंगी हमारे पास लैक्टोज फर्मेंटेशन की वजह से पर्पल या पिंक नजर आएंगी और ग्रीन शीन नजर आएंगी, ग्रीन शीन कलोनीज यानी कि ग्रीन कलर की कलोनीज नजर आएंगी। नॉन लैक्टोज फर्मेंटर शिगेला और साल्मोनेला जो है ये कलरलेस होंगे। ई कलाई हमारे पास लैक्टोज फर्मेंटर है तो ये पर्पल कलर या ग्रीन शीन नजर आएगा और शिगेला और साल्मोनेला कलरलेस नजर आएंगे। फिर हमने नॉन लैक्टोज फर्मेंटिंग को TSI यानी कि ट्रिपल शुगर आयरन में डालना है। ट्रिपल शुगर आयरन के अंदर हमारे पास एक होता है स्लांट और एक होता है बट, ये टेस्ट ट्यूब है ना, टेस्ट ट्यूब के नीचे हमारे पास एक होता है बट और उसके ऊपर होता है स्लांट। तो हमने ट्रिपल शुगर आयरन का जो स्लांट है ना वो शिगेला और साल्मोनेला के दरमियान में डिफ्रेंशिएट करने के लिए यूज़ होना है। इसके अंदर हमारे पास ट्रिपल शुगर आयरन में साल्मोनेला जो है वो एक एंजाइम प्रोड्यूस करता है जो कि शिगेला नहीं उल्टा साल्मोनेला और शिगेला को हम स्पेसिफिक एंटी सीरा यूज़ करके तो सेपरेट कर सकते हैं क्योंकि इनके अंदर होता है एक ओ एंटीजन जो कि एग्लूटिनेशन टेस्ट देता है। इसके अलावा हमारे पास एक कंपाइलोबैक्टर जिजुना है जो कि एंटीबायोटिक कंटेनिंग मीडिया शिक्रोज एगर, ये पीछे नहीं लिखा हुआ, स्किरोज एगर के ऊपर ग्रो करता है 42 डिग्री सेंटीग्रेड पे, 5% ऑक्सीजन 10% कार्बन डाइऑक्साइड में, इट ग्रोज अंडर वेल दिस कंडीशन। ठीक है, अच्छा इसके बाद हमारे पास ये है कि एक स्टूल कल्चर क्योंकि इनअप्रोप्रिएट समझा जाता है तो इसलिए इसको कोई खास इंपॉर्टेंस देके परफॉर्म नहीं किया जाता। लेकिन अगर हमारे पास ब्लडी स्टूल आया है जिसके अंदर बहुत ज़्यादा ब्लड है तो हम मैकॉन की के ऊपर इसको ग्रो करेंगे और मैकॉन की सॉर्बिटॉल मीडिया ई कोलाई की स्ट्रेन जो है वो सॉर्बिटॉल को नहीं करेगी और ई कोलाई की टिपिकल स्ट्रेन O57 नहीं करेगी और दूसरी स्ट्रेन जो है वो फर्मेंट कर देंगी और रेड हो जाएंगी। इसके बाद हमारे पास यूरिन कल्चर हम कब कराते हैं, जब हमारे पास पाइलोनेफ्राइटिस या सिस्टाइटिस हो और UTI सस्पेक्टेड हो ई कोलाई की वजह से, एंटेरोबैक्टर प्रोटियस और एंटेरोकोकस फेकेलिस दूसरे ऑर्गेनिज्म है। मोस्ट फ्रीक्वेंट कौन सा है, ई कोलाई एसर्शिया कोलाई, और इसके अलावा कौन कौन सा, एंटेरोबैक्टर प्रोटियस एंटेरोकोकस फेकेलिस। अब यूरिन जो है ब्लैडर के अंदर नॉर्मल हेल्दी पर्सन के अंदर स्टिराइल होता है लेकिन नॉर्मल फ्लोरा इसके अंदर प्रेजेंट होता है यूरिथ्रा के डिस्टल पोर्शन के अंदर। स्पेशल सिचुएशन के अंदर सुप्रा प्यूबिक एस्पिरेशन वगैरह करते हैं, नॉर्मली तो हम यूरिन कल्चर ले लेते हैं ना, इसके अलावा सुप्रा प्यूबिक एस्पिरेशन कर सकते हैं। और यूरिन कल्चर जो है वो कब तक, 1 आवर, ये स्पेशली 1 आवर के अंदर अंदर हमने आफ्टर द कलेक्शन ऑफ सैंपल उसको रेफ्रिजरेट कर लेना है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे, लेकिन 18 घंटे ज़्यादा तब भी नहीं कर सकते। अगर बैक्टीरियल काउंट हमारे पास 1 लाख per ml से कम है, 100,000 per ml से कम है तो हमने बैक्टेरियूरिया कर सकते हैं। बैक्टेरियूरिया जो है वो एसिम्प्टोमेटिक पर्सन के अंदर भी हो सकता है, लेकिन अगर 100 per ml है तो हमारे पास आर सिग्निफिकेंट इन सिम्प्टोमेटिक पेशेंट। अच्छा, अब सेवरल टेक्निक क्या है, कैलिब्रेटेड लूप लेनी है जिसके अंदर हम 0.01 ml यूरिन ले सकें और उसको स्ट्रीक कर सकें कल्चर को, या सीरियल 10-fold डाइल्यूशन मेथड यूज़ करना है डाइल्यूशन स्ट्रीक्स करने के लिए, या फिर हम स्क्रीनिंग प्रोसीजर कर सकते हैं जो कि सूटेबल होता है फिजिशियन ऑफिस वगैरह के लिए। इसमें हम एगर कवर पैडल को डिप कर देते हैं यूरिन के अंदर और जब पैडल को इंक्यूबेट करते हैं तो डेंसिटी ऑफ कॉलोनी वहाँ पे अपेयर हो जाती है। इसके अलावा हमने जेनिटल ट्रैक के कल्चर कैसे लेने हैं, जेनिटल ट्रैक के कल्चर हमने एबनॉर्मल डिस्चार्ज वगैरह क्या है पेशेंट के अंदर लेने हैं जिसके अंदर STDs का खदशा हो, लाइक नज़ेरिया गोनोरिया इंपॉर्टेंट पैथोजन है जेनिटल्स का, और इसके लिए हमने ग्राम स्टेन स्मेयर और कल्चर वगैरह कराना है। और मैन के अंदर कैसे करना है, यूरेथ्रल कैनाल फॉर मैन और सर्विक्स फॉर वुमेन, एनल कैनाल फॉर मैन एंड वुमेन बोथ, यानी कि डिफरेंट ओपनिंग्स की बात हो रही है कि कहाँ कहाँ से हम स्पेसिमेन ले सकते हैं। यूरेथ्रल डिस्चार्ज जो है फ्रॉम द पेनिस और नज़ेरिया गोनोरिया जो है वो वेरी डेलिकेट ऑर्गेनिज्म है, इसको हमने इनोकुलेट करना है थायर मार्टन चॉकलेट एगर पे या फिर स्पेशल ट्रांसपोर्ट मीडियम लाइक ट्रांसक्रो के ऊपर। ग्राम नेगेटिव डिप्लोकोकाई जो है ये इंट्रासेलुलर विद इन द न्यूट्रोफिल प्रेजेंट हो सकते हैं ऑन द स्मेयर ऑफ यूरेथ्रल डिस्चार्ज फ्रॉम अ मैन ओवर 90% प्रोबेबिलिटी ऑफ नज़ेरिया गोनोरिया।
नॉन गोनोकोकल मतलब नाइजीरिया के बगैर वाले यूरेथराइटिस, यूटीआई और सर्विसाइटिस के अंदर कॉमन इन्फेक्शन, वो बहुत ज्यादा कॉमन है, जिसके अंदर क्लेमाइडिया होता है जो कि आर्टिफिशियल मीडियम पे ग्रो नहीं कर सकता, मस्ट बी ग्रोन इन द लिविंग सेल, लिविंग सेल चाहिए होते हैं इसके लिए। तो इसमें हम योक सैक ऑफ एम्ब्रियोनेटेड एग यूज करते हैं, स्पेशल कल्चर ह्यूमन सेल्स या योक सैक से प्रिपेयर किया जाता है। इसके इसके अलावा ये कि ये हमारे पास इंट्रासाइट ऑफ प्लाज्मिक इंक्लूजन या फिर जिंगा स्टेन से स्टेन होता है। इसके अलावा एक है ट्रिपोनिमा पैलिडम, ट्रिपोनिमा पैलिडम जो है वो सिफिलिस कॉज करा सकता है, इसको भी कल्चर नहीं कराया जा सकता, इसको माइक्रोस्कोपी और सीरोलॉजी के जरिए करते हैं। और द सीरोलॉजिकल टेस्ट के अंदर हमारे पास दो ग्रुप्स आते हैं, नॉन ट्रिपोनिमल एंटीबॉडी टेस्ट जिसके अंदर वायरल डिजीज रिसर्च लेबॉरेटरी टेस्ट वगैरह इंक्लूड होते हैं या रैपिड प्लाज्मा रिएजन। इसके अलावा ट्रिपोनिमल एंटीबॉडी टेस्ट कौन सा होता है, एफटीए एबीएस, फ्लोरिसेंट ट्रिपोनिमल एंटीबॉडी एब्जॉर्प्शन टेस्ट, ये दो टेस्ट होते हैं फॉर द ट्रिपोनिमा पैलिडम। इसके अलावा हमारे पास वुंड या एब्सेस से कल्चर, वुंड या एब्सेस से कल्चर जो हम लेंगे तो हमारे पास एब्सेस ऑफ ब्रेन, लंग्स, एब्डोमेन वगैरह जो है वो एनरॉब्स की वजह से होते हैं, बैक्टीरियोइड्स और ग्राम पॉजिटिव कोकाई से स्टेफोरिया, स्टेफ पायोजेंस की वजह से, स्ट्रेप्टोकोकस, स्टेफलोकोकस और स्टेफोरिया, स्टेफ पायोजेंस की वजह से। अगर ओपन वुंड इन्फेक्शन है तो वो मेनली सॉइल फ्लोरा या अलग क्लॉस्ट्रिडियम परफ्यूरेंजेंस की वजह से होता है, सर्जिकल वुंड जो है स्टेफोरिया की वजह से होता है। अगर इन्फेक्शन डॉग या कैट बाइट की वजह से तो वो पैस्टरेला, मल्टीकोइडा, मल्टोसिडा की वजह से होता है, और ह्यूमन बाइट्स के अंदर माउथ के एनरोब्स इन्वॉल्व होते हैं। अब डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स, इम्यूनोलॉजिकल मेथड कौन कौन से हैं, इम्यूनोलॉजिकल मेथड के लिए हम डिफरेंट एंटी नॉन सीरा, एंटी सीरा करते हैं, कैप्सुलर स्वेलिंग टेस्ट जिसको हम कूलिंग रिएक्शन कहते हैं, कूलिंग रिएक्शन के अंदर हम ये करते हैं कि जो भी बैक्टीरिया है अगर हमारे पास उसका एंटी सीरा मौजूद है वो डालते हैं, जिसकी वजह से बैक्टीरिया की हो जाती है स्वेलिंग, इससे हम कूलिंग रिएक्शन कहते हैं। इसके अलावा स्लाइड एग्लूटिनेशन, स्लाइड एग्लूटिनेशन साल्मोनेला और शिगेला आइडेंटिफाई होता है, इससे इसके ऊपर ओ एंटीजन होता है साल्मोनेला और शिगेला की वजह से, और हॉस्पिटल लेबॉरेटरी के अंदर यूज होता है। एंटी सीरा के अंदर एच एंटीजन होता है या फिर वी एंटीजन होता है, तो इस तरह से हम एग्लूटिनेट करके स्लाइड एग्लूटिनेशन से साल्मोनेला और शिगेला को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। लैटेक्स एग्लूटिनेशन होता है, लैटेक्स बीड जो है वो स्पेसिफिक एंटीबॉडी के साथ एग्लूटिनेट करते हैं एच इन्फ्लुएंजा वगैरह, एंड मेनिनजाइटिस और नियोफॉर्मेंस स्ट्रेप्टोकोकाई सेवरल स्ट्रेन को इस तरह करते हैं। इसके अलावा हमारे पास है काउंटर इम्यूनोलैक्टोफोरेसिस, इम्यूनोलैक्टोफोरेसिस टेस्ट जो है ये हम अननोन बैक्टीरिया के लिए करते हैं, स्पेसिफिक एंटीबॉडीज जो है वो मूव करती है इलेक्ट्रिकल फील्ड में, और अगर होमोलोगस हो जाए बैक्टीरिया तो वो प्रेसिपिटेट कर जाते हैं एगर मैट्रिक्स पे, अगर एंटीबॉडीज जो है पॉजिटिवली, क्योंकि एंटीबॉडीज पॉजिटिवली चार्ज होती हैं पीएच पे, और नेगेटिवली चार्ज एंटीजन जो है वो कैप्सुलर पॉलीसेकेराइड के ऊपर होते हैं, तो वो दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं और आंसर आ जाता है। ये टेस्ट हम कब करते हैं, जब हमने स्पाइनल फ्लूइड वगैरह लिया हो एच इन्फ्लुएंजा एंड मेनिनजाइटिस, निमोनिया और ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकाई के लिए। इसके अलावा एलाइजा एंजाइम लिंक इम्यूनो ऑर्बिट इम्यूनो सॉल्वेंट ऐसे, ये हमारे पास स्पेसिफिक एंटीबॉडी होती है, उसके साथ एंजाइमिक लिंक हुआ होता है, उससे हमारे पास एलाइजा की टेक्निक हमने पढ़ी हुई है वैसे, उसके साथ जो है वो रिएक्शन होता है बैक्टीरिया का, तो हमारे पास बैक्टीरियल वायरल या फंगल इन्फेक्शन के लिए यूजफुल होता है। इसके अलावा फ्लोरिसेंट एंटीबॉडीज, कोई भी फ्लोरिसेंट एंटीबॉडी डालेंगे वो अगर बाइंड कर जाएगी तो वो रोशनी रोशनी यानी फ्लोरिसेंस देगी। इसके अलावा हमारे पास आइडेंटिफिकेशन ऑफ सीरम एंटीबॉडीज विद द नॉन एंटीजन, इसके लिए हमारे पास स्लाइड या ट्यूब एग्लूटिनेशन टेस्ट होता है। इस मेथड स्लाइड और ट्यूब एग्लूटिनेशन मेथड के अंदर क्या करते हैं कि पेशेंट का जो है वो सीरम लेते हैं, उसको मिक्स करते हैं बैक्टीरियल सस्पेंशन के साथ, और उसको हाईएस्ट डाइल्यूशन ऑफ सीरम कैपेबल ऑफ एग्लूटिनेटिंग द बैक्टीरिया इज टाइटर ऑफ एंटीबॉडी, यानी कि ये आपस में रिएक्शन करते हैं टाइटर ऑफ एंटीबॉडी, और एज विद मोस्ट ऑफ द टेस्ट ऑफ द पेशेंट्स एंटीबॉडी टाइफाइड फीवर, ब्रुसेलस, ब्रुसेलोसिस, ट्यूलेरिमा, प्लेग और लिथोसिप्रोसिस और रिकेट्शियल डिजीजेस के लिए यूजफुल होता है। इसके अलावा सिफिलिस के लिए कौन सा टेस्ट है, इसके अंदर हमारे पास बिकॉज टी पैलिडम जो है वो लैब मीडिया पे ग्रो नहीं करता, तो इसके ऊपर हम नॉन ट्रिपोनिमल टेस्ट करते हैं, ये हमने जो पहले पढ़ा VDLR और RPR और ट्रिपोनिमल टेस्ट करते हैं। नॉन ट्रिपोनिमल टेस्ट के अंदर हमारे पास कार्डियोलिपिन, लेसेथिन और कोलेस्ट्रॉल का मिक्सचर होता है, ये एंटीजन के तौर पर होता है, और उसके अलावा कार्डियोलिपिन यानी कि डाइफॉस्फोलिपिड एक्सट्रैक्ट होता है बीफ हार्ट के अंदर से, फ्लॉकुलेशन होती है ऑफ कार्डियोलिपिन अकर अगर हमारे पास टी पैलिडम प्रेजेंट होता है। इसके अलावा ट्रिपोनिमल पैलिडम टेस्ट यूज होता है, ट्रिपोनिमल पैलिडम एज द एंटीजन, और इसके अंदर हमारे पास क्या होता है कि माइक्रो हीमोएग्लूटिनेशन ट्रिपोनिमा पैलिडम टेस्ट के अंदर पेशेंट का सीरम सैंपल लेते हैं, उसको एब्जॉर्ब कराते हैं विद द ट्रिपोनिम्स अदर देन टी पैलिडम, और नॉन स्पेसिफिक एंटीबॉडीज देते हैं जिससे हमारे पास फ्लोरिसेंस लेबल एंटीबॉडीज अगेंस्ट अगेंस्ट ह्यूमन IgG यूज करते हैं, उससे हमारे पास फ्लोरिसेंस आ जाएगी और हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा ट्रिपोनिमा पैलिडम। अगर एंटीबॉडीज प्रेजेंट होंगी तो हीमोएग्लूटिनेशन हो जाएगी। इसके अलावा कोल्ड एग्लूटिनिन टेस्ट है, माइकोप्लाज्मा न्यूमोनियाई जो है वो ऑटो एंटीबॉडीज बना लेता है और एग्लूटिनेट कर देता है ह्यूमन आरबीसीज को 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे, 37 पे नहीं करता, अगर हम इसको कोल्ड करेंगे तो ह्यूमन आरबीसी डेग्लूटिनेट करेंगे ड्यू टू माइकोप्लाज्मा। इसके अलावा न्यूक्लिक एसिड बेस्ड टेस्ट है, इसमें हमारे पास 3 टाइप के टेस्ट हैं, कौन कौन से, न्यूक्लिक एसिड एम्पलीफिकेशन टेस्ट, न्यूक्लिक एसिड प्रोब्स और न्यूक्लिक एसिड सिक्वेंस एनालिसिस। एम्पलीफिकेशन के अंदर हम एम्पलीफाई करके देख लेंगे PCR के जरिए,
और ये हमारे पास हम क्लेमाइडिया निजेरिया के लिए यूज़ करते हैं, एसटीडी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज के लिए। और प्रोब्स किसके लिए करेंगे, इसमें हम डीएनए आरएनए का प्रोब बनाएंगे विदाउट एम्प्लीफिकेशन, जब हम इसको करेंगे तो वो आपस में रिएक्शन करेगा। इसके बाद न्यूक्लिक एसिड सीक्वेंस एनालिसिस से हम कौन कौन सा कर सकते हैं, ट्रोफायरियम विप्लाए को अप्रोच कर सकते हैं ऑर्गेनिज्म को।